ठीक है, थैंक यू। नाम हो लेकिन टीम नाम ना हाँ हाँ नहीं पूरे सिंगल गया साहब, एक बार और मिला दिए बस सब यहाँ सिंगल गया थोड़ा। अब हमें डिस्टर्ब मत करना प्लीज। बस एक मिनट सर। ठीक है ना? ठीक है सर, एक बार परिवादी से मिलवा देते बस। परिवादी से आपको बात करवा दें? हाँ एक बार भेज दो परिवादी को। अब हमें डिस्टर्ब मत करना प्लीज। बस एक मिनट सर। ठीक है ना? ठीक है सर, एक बार परिवादी से मिलवा। परिवादी पवन कुमार शर्मा ने हमें शिकायत की थी कि इसकी कंपनी है शर्मा कंस्ट्रक्शंस कंपनी, इसने नगर पालिका में जो काम करवाए थे तो उसका चेक का भुगतान कुछ का तो पहले हो गया था और कुछ का रोका हुआ था। तो ये भरत कुमार जो ईओ है नगर पालिका और श्रवण कुमार जो जेएन है, ये जो पहले जो भुगतान किया गया उसके पहले पैसे दे, मतलब कमीशन देने के 3% जो कमीशन है उसके भुगतान करने के बाद ही आगे का भुगतान करने की कह रहे थे। तो भरत कुमार जी को 39,000 रुपए लेते हुए और श्रवण जेएन को 15,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। सत्यापन हमने 12 और 13 तारीख को करवाया था। पहले एक ट्राई की थी तो उस समय जेएन के पत्नी को मतलब ने कुछ डिलीवरी वगैरह का था तो इकट्ठे मिले नहीं थे। आज दोबारा से मतलब ना इसका सत्यापन मतलब कार्रवाई की है। 12 तारीख को मतलब ना शिकायत हुई थी उस समय सत्यापन करवाया गया था। 13 तारीख को फिर ईओ का मतलब सत्यापन करवाया गया था। दोनों के सत्यापन के बाद में ट्रैप की कार्रवाई होती, लेकिन उस समय जेएन की पत्नी की डिलीवरी होने की वजह से वो मतलब इकट्ठा नहीं हो गए। मान से मना होगा, मैंने काम करा पैसा दिया को नहीं और आवाज जती भर कह के मानता हूँ पैसा दिए पर मैं काम करा को नहीं, इसलिए मैंने वो कदम मजबूरी में उठाना पड़ो। शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी 15-20 लाख रुपया होगा, 7 महीना से। तो ये रिपेयर की मांग कब से करने लगे आप? पहले शुरू से ही कर रहे हैं। 15 दिन पहले करी, पहली घनी दी पहली भी दी। क्या नाम है? पवन कुमार।